व्हाट्सअप दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए GTFI के रेसिंग के एपिसोड में। आज के एपिसोड में जो गाड़ी हमने लाए हैं वो हम पहले ही ला चुके हैं काफी बार, बट फिर भी ये कुछ अलग है क्योंकि इसकी वेरिएशन है। ये है शेवरोले नोवा, पर ये ड्रैग वाला वर्जन है। तो ड्रैग वाला वर्जन है तो इसकी स्पीड उतनी है क्या वो नहीं मालूम मुझे, वो आज हम साथ में मिलकर देखेंगे। तो शेवरोले नोवा ड्रैग ये वाली गाड़ी है और आप सबकी फेवरेट है नोवा, वन ऑफ द फास्टेस्ट कार है। मुझे लगता है रेडबुल वाली सबसे फास्टेस्ट रही होगी, पर ये सेकंड हो सकती है। इसको इतनी स्पीड है कि आप देखेंगे, ओ हवा में उड़ रही आते आते, तो लगता है इसको क्या पता ये ड्रैग वाली है तो स्ट्रेट में और स्पीड हो, कुछ कह नहीं सकते, कुछ भी हो सकता है। और वो जब हम रेस करेंगे तभी ही पता चलेगा, इसलिए तो हम रेसिंग करते हैं यार, देखने के लिए कि किसकी स्पीड कितनी है और कौन कैसा है। और अब लोड होएगा मस्त। ओके, इतने सारे लोग आ गए। ओके, ये भी गो, ये गाड़ी को बहुत स्पीड है। ओहो हो, बाकी लोग कहाँ हैं यार, आ रहे क्या? जॉइंट द मीट, जॉइंट द मीट बोल रहे, कोई आया नहीं यहाँ पे। रजिस्ट्रेशन फीस देते हैं यहाँ पे, चकास। और गाड़ियाँ कहाँ हैं यार? करंट आर्ट परफॉर्मेंस, ये करंट कार आर्ट परफॉर्मेंस, ये तो समझ में आ रहा है, पर गाड़ियाँ हैं कहाँ? सिर्फ लोग नज़र आ रहे यार। वेटिंग एरिया टू बी पिक्ड अप, शायद मैं अकेला भागूंगा क्या? भाई गाड़ियाँ क्यों नहीं नज़र आ रही है? सिर्फ लोग नज़र आ रहे हैं। हाँ, गाड़ियाँ अभी आ रही है, धीरे धीरे करके आ रही है। दो गाड़ियाँ नज़र आ रही है, तीन गाड़ियाँ नज़र आ रही है। भाई आज आए नहीं, एक तो गैराज के अंदर है, हैंगर के अंदर है। यहाँ आ जाओ भाई सब लोग। और ये गाड़ी की स्पीड जो है वो किसी से छुपी नहीं है आज तक, बहुत लोगों की फेवरेट गाड़ी है ये। ओह, और पिछले टाइम मेरा लैग हो रहा था गेम, उसका रीज़न मुझे पता चल गया। आई थिंक, मुझे लगता है मेरा विंडोज़ अपडेट हो रहा था, विंडोज़ 10 अपडेट हो रहा था बैकग्राउंड में, इसलिए वो गेम लैग हो रहा था, वरना होना तो नहीं चाहिए। इतने बार क्या, इट्स योर टर्न, आ जाओ भाई आ जाओ। क्या बोलते हो, कितनी स्पीड होगी? 300-400 कितना होगा भाई, ये सिर्फ हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। और ओ डियर, ये देखो टायर को, इसके आगे की लाइट्स चालू है क्या? हाँ, टेम्परेचर में आ गए। ये भी गो, ओ नो, इसको लगाना भी आराम से भाई। तो देखते हैं स्पीड कितनी है ये ड्रैग वाली कार पे। FMJ पे दो लोगों ने बैट किया है, रौनक पे एक ने बैट किया है, देखते हैं क्या होता है। ये रेस होने वाली है दोस्तों, शुरू। ओ नो, इतना व्हील स्पिन, कितनी स्पीड है? काफ़ी स्पीड है, पर वो मॉडर्न नोवा जो जिसको हम हर टाइम लाते थे उसके मुकाबले है। ड्यूड, ये ज़्यादा स्पीड नहीं है यार, कितना मारा? 14 मारा, कम ऑन। यानी मॉडर्न नोवा सबसे फास्टेस्ट होगा, पता नहीं मैंने जंप मारा इसलिए हुआ क्या, सेकेंड टाइम देखना पड़ेगा। यहाँ से हम जाके देखते हैं इसकी टॉप स्पीड कितनी। 14 ही मारा यार, कुछ इतना धमाकेदार नहीं हुआ यार। स्पीड कितनी है इसकी? ड्रैग है और इतना ज़्यादा स्पीड नहीं है यार, ये कैसे हो सकता है? यानी वो वाली गाड़ी सबसे तेज है, अब समझा मैं, ड्रैग वाली। और इसकी और एक वेरिएशन है जो कि सिंपल वाला है, मतलब नॉर्मल वाला है, वो भी मैं लाऊंगा एक बार और देखेंगे कितना है। ओके, देखते हैं रेस का रिप्ले, मतलब लाइव देखने मिलेगा कि हमें यहाँ पे फोकलिफ्ट आ चुकी है जो कि सबको पता है हारती हर टाइम। और मैं डिसअपॉइंटेड हूँ ये ड्रैग वाली गाड़ी से, यानी मर्डर नोवा जो वर्जन है वो सबसे तेज़ है। शेवरोले नोवा गाड़ी का नाम है, इसमें तीन वर्जन आते हैं। और नेक्स्ट टाइम, मतलब जब मैं नेक्स्ट टाइम लाऊंगा नोवा को, मैं नॉर्मल नोवा को लाऊंगा और देखूंगा स्पीड कितनी है। ये भाई अपनी मौत की तरफ जा रहा है, रो मतलब ट्रैक पे देखो, और वो देखो ये क्या करते हैं इन लोग, इनको समझ में नहीं आता क्या? हो नो, हियर वी गो, बचाया यार इसने, इंटेलिजेंट है इन लोग, ठोका नहीं उसने। बाकी लोग किधर है भाई, अकेला जा रहा है। और ये अभी गो, साइड में आवाज़ आ रही है, इन्फर्नस है ये शायद। फिनिश, और सबको पता है सुपरस्टार पीछे से आ रहा होगा, आराम से पहुंचा गया भाई, क्यों आता है हमारा सुपरस्टार पहुंचते हुए फिनिश की तरफ। ओ नो, कितना पीछे यार, अभी भी पहुंचाओ कोई उसे यार, बूस्ट होना चाहिए यार फोकलिफ्ट में, बूस्ट होना चाहिए।
एंड फिनिश की तरफ आते हुए इतना मारता है यार, 40 सेकंड मारता है कि कितना, अभी फिनिश किया 53, पूरे 53 सेकंड्स। एम एट स्टार्टिंग कर, अरे हमें क्यों नहीं लिया यार, मैं तो वेट कर रहा था। हियर वी गो, यू हैव बीन पिक्ड फॉर द नेक्स्ट रेस बोल रहा है, और गड़बड़ शुरू हो चुकी है ठोकम ठाकी। इसको जाने दो जगह पे और बैक कर, ये लोग एक बार फंस जाते ना तो फंस ही जाते। देखो अब ये सॉल्व कैसे होएगा पता नहीं, क्या मुझे वहाँ जाना पड़ेगा। ये देखो ये एक मुसीबत है, थोड़ा और बैक कर इसको, देखो मुझे कुछ करना पड़ेगा वरना ये ठीक नहीं होएगा। वही है कि कोई और है, इसको मैं ठीक करने की कोशिश करता हूँ वरना हमारी रेस स्टार्ट ही नहीं होगी। अरे भाई जरा तो दिमाग लगा, कम ऑन यू कैन डू इट। अरे गायब हो गया, तो उसके जगह कौन आएगा फिर? फिर से आया, अब भाई सीधे जा। ओ नो भाई अब यहाँ फंस गया, कम ऑन मजा के गए। ये एक मिनट ये ले डूड, कम ऑन गो जगह पे जा। ओह नो फिर से फंस गया, क्या इंसान है इन लोग। जगह पे एक मिनट, मेरे को यहाँ से, कम ऑन लेट्स डू दिस। X80 प्रोटो भी आया है और ये लोगों को मरना ही है, मैं कुछ नहीं कर सकता, उड़ा दिया, क्या कर सकते हैं। X80 प्रोटो को कोई नहीं हरा सकता, शायद क्लोज होने वाला है। बात टॉप स्पीड पे बचेगी, एक्सेलरेशन दोनों का सेम था, क्या ये ओवरटेक कर पाएगा? नहीं। और ये फिनिश की तरफ पहुंचते हुए जूम जूम जूम, X80 प्रोटो जीत गया और ये RE78B, कम ऑन लेट्स गो। ये देखो क्या हो रहा है, एक जगह खड़े हो जा भाई। ये गाड़ी को सिर्फ क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन है, टॉप स्पीड इतनी खास नहीं है, औरों के मुकाबले तो ठीक है। अरे मेरे भाइयों पीछे आ जाओ, आज क्यों इतना लफड़ा हो रहा है यार, पूरे रेसिंग की वाट लगा रहे। इसको मत ठोक, इसको मत, इसको हटा दिया तो मैं भी लटक गया। मार मत देना भाई, वो उसके वजह से ही तो स्टार्ट होता है, उसको खड़े होने दो। कमान सेंटर पे इस तरफ आ जाओ सब लोग। कौन कौन है यार, आज का तो पूरा एपिसोड ही जोक हो गया। हट जा मेरे भाई, ये क्या यार, क्यों इतने लोग यहाँ जमा हो जाते हैं जब जगह उनका काम ही नहीं है। अगले चार लोग, ये गाड़ी चुराएगा क्या आगे, किसी को शांति नहीं है, ये एपिसोड खींचते जा रहा है आज। और मुझे कुछ अलग ट्राई करना है, पर ये लोग जगह पे आए तब ना। चौथा कौन है मेरे भाई, आ जा। ओह नो, हाँ इतनी सेंस है, कम ऑन यू कैन डू इट, आप कर सकते हो, मुझे पता है आप कर सकते हो। ओह नो मैं डिसअपॉइंटेड हूँ, कोई रीसेट बटन भी नहीं है जो मैं इनको ठीक कर दूँ, पर ये घूमते रहेंगे, चक्कर खाते रहेंगे। ये फ्रैंकलिन की कार है क्या? अब मेरे पास कोई जवाब ही नहीं इनके लिए, किधर है, कौन है, चौथा कौन है, पहला कौन है, तीसरा कौन है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक तो आ गया भाई, खड़े हो जाओ किसी तरह। हियर वी गो, यस, नहीं भाई प्लीज खड़े हो जाओ ना यार, मेरे को रेस करना है। अब तो रेस स्टार्ट होके ही रहेगी, दो जन ने मेरे पे बैट लगाया और ये रेस होने वाली है दोस्तों शुरू। इस टाइम अच्छी एक्सेलरेशन मिली, हियर वी गो। क्या पिछले टाइम हमने 14 सेकंड मारे थे, इस टाइम होएगा क्या? अरे इतना स्पीड नहीं है यार, ये मर्डर नोवा सबसे बेस्ट है, इसको इतना स्पीड नहीं है, 250-260 की स्पीड जा रही है, 13.3 सेकंड। और ये हुई बात फिनिश 17 सेकंड, चलो ठीक है, इट वुड बी नॉट नाइस, ठीक है। तो मैं समझ गया, वो वाली गाड़ी सबसे बेस्ट है। अब यही जानना है कि जो नोवा की नॉर्मल वाली गाड़ी है, ये तो ड्रैग वाली है, नॉर्मल वाली को कितनी स्पीड है वो देखना पड़ेगा। और हियर वी गो, रेस हो गई है स्टार्ट,
मर रहे हैं लोग, मार रहे हैं लोग। आज का एपिसोड बहुत क्रेजी हुआ है और देखते हैं नेक्स्ट, ये फाइनल रेस होगी हमारी, क्या होता है। सब लोग जमा रखें यहाँ। टेम्पेस्टा बोलते शायद। एम एट द स्टार्टिंग, ओके हमें नहीं पिक किया है। यू हैव बीन पिक फॉर द नेक्स्ट रेस, नेक्स्ट रेस के लिए पिक किया है। ओके ये भी गो, लाइव रेस देखेंगे हम लोग। किसी पे बैट कर सकते हैं, बैट करने के लिए वहाँ जाना पड़ता है और उनके पीछे जाके ई प्रेस करना पड़ता है। तो कौन है यहाँ? नीरो कस्टम फेवरेट लग रहा है जीतने के। और ये हो गई स्टार्ट, नीरो कस्टम कौन सा है भाई? ओ ये देखिए क्या क्लोज हो रहा है आराम से। एक्सेलरेशन तो अच्छी थी पर टॉप स्पीड नहीं थी इसलिए पीछे हो गया, और पीछे होते ही जा रहा है। काफ़ी क्लोज है आगे, काफ़ी क्लोज है जैसा कि मैंने कहा था। ये देखिए कितना क्लोज है। और ये रेस हुई पूरी, नीरो कस्टम जीता। यस नीरो कस्टम ही निकला। अरे ये देखो स्लो मोशन में फिनिश। चलो फाइनल रेस की तरफ, इट्स योर टर्न। हमारा टर्न है, सब ठीक है। ये लोगों को पहले मैं पब्लिक को ऑफ किया था, शायद फिर से सोच रहा हूँ ऑफ कर दूँ। 13.3 मारा हमने, इसको एक्सेलरेशन है पर टॉप स्पीड नहीं है इतना। नोवा ड्रैग यही नाम है ना गाड़ी का, गाड़ी का नाम भी भूल गया। आराम से, अब कौन गिरा? कोई ना कोई गिरते रहता है, कोई ना कोई भागते रहता है। देखा करो यार जरा आसपास। तो दोस्तों फाइनल रेस है ये, दोपहर से शाम होने वाली है यहाँ पे और ये स्टार्ट होने वाली है। गन को पॉइंट कर दिया है ऊपर और ये रेस होने वाली है दोस्तों शुरू। वंस अगेन एक्सेलरेशन के साथ अच्छी स्पीड मिलते हुए, और 13.3 को क्या हम बीट कर सकते हैं? यही है, कुछ खास नहीं है, इतनी खास नहीं है। 13.3 फिर से, यानी 13.3 बेस्ट है, ठोक दिया। तो सब लोग फिनिश करके 17 में पहुंचे और हम लोग 13.3 में पहुंचे। ये मैच स्टार्टिंग गर्ल बोल रहा है, 3000 का माल लिया है दोस्तों। एंड करता हूं एपिसोड को यहीं पे, उम्मीद करता हूं आपको मज़ा आया होगा। ये नोवा हमारी ड्रैग वाली गाड़ी है और अब सिर्फ बची है नोवा नॉर्मल वाली, उसको हम ट्राई करेंगे। तो मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट टाइम दोस्तों, देखने के लिए शुक्रिया। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।